खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। आज के बुलेटिन की शुरुआत यूपी के शाहजहांपुर से, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विनोद नाम के युवक ने मामूली विवाद के चलते अपने ही चचेरे भाई मुकेश की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। वही पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। दरअसल शराब के नशे में विनोद नाम के युवक ने अपने ही चचेरे भाई मुकेश को डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। विनोद ने मुकेश के सर पर डंडे लगातार मारे ताकि उसकी मौके पर मौत हो जाए। इतना ज्यादा आवेश उन दोनों के गुस्से के बीच में देखा गया। फिलहाल आनंद फानंद में मुकेश को जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना पुआएं के क्षेत्र तरती बाजार में दिनांक 1 फरवरी 2021 को दो चचेरे भाई, जिनके नाम मुकेश और विनोद हैं, उनके मध्य मारपीट हुई। मारपीट में विनोद ने मुकेश को डंडों से मार दिया, जिससे मुकेश गंभीर रूप से। वही अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां दोस्त के बुलाने पर जमीन देखने गए प्रॉपर्टी डीलर को देर रात अज्ञात बदमाशों ने रेलवे पुल के नीचे पहुंच चलती कार में युवक को गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए। दरअसल जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रॉपर्टी डीलर गोलू राणा अपने मित्र के फोन पर जमीन दिखाने की बात पर जमीन देखकर वापस आ रहे थे। गोलू को चलती कार में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी और वहां से फरार हो गए। गोली कार का शीशा भेद कर गोलू के कंधे पे जा लगी। वहीं किसी तरह गोलू ने अपने परिचितों को फोन कर मौके पर बुलाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और परिचितों ने घायल प्रॉपर्टी डीलर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस घटना की जांच कर रही है। ऐसे गोली मार दिया किसी ने मेरे कहां पे, के जो भी वाले रेलवे पुल पे नीचे में। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूं अभी तुरंत। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से पहुंचा हूं, तुरंत मैंने देखा है गोली लगी हुई इसके, पड़ा हुआ था नीचे। उसके बाद मैंने 112 नंबर कॉल की। 112 नंबर कॉल करने के बाद तुरंत ही मैं जिला अस्पताल लेके आ गया। फिर क्या काम करते हैं? काम इसका वही है, अपना साइड वाइज बना रखे हैं, डीलरी का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग जो करते हैं। वही अगली खबर है चंदौली से, जहां एक हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से हत्या में उपयोग की गई चाकू और सुपारी में मिले रुपयों में से बचे 12,500 रुपए और एक अदद बक्सा भी बरामद किया है। वही हत्यारी पत्नी का कहना है कि प्रेमी के साथ चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक पति को लग गई थी, जिसकी वजह से आए दिन मेरा पति मुझे प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक किलर को सुपारी देकर घटना को अंजाम दिया। अब रुक करते हैं सीतापुर की तरफ, जहां संपूर्ण तहसील दिवस में जिलाधिकारी ने बीएसए को जमकर फटकार लगाई। दरअसल बीएसए अजीत कुमार ने 5 शिक्षकों का वेतन रोक रखा था। जब यह मामला जिलाधिकारी के पास पहुंचा तो बीएसए को फटकार लगाई। वहीं आदेश देते हुए बोले कि 15 मिनट में निर्णय लेकर समाधान करें और जल्द से जल्द शिक्षकों का वेतन उन्हें दिया जाए। अगली खबर कुशीनगर से, जहां आईटीआई कॉलेज की मान्यता लेने के लिए बैंक में फर्जी दस्तावेज लगाकर मान्यता लेने का मामला सामने आया है। कई वर्षों से जनपद में फर्जी दस्तावेज से आईटीआई कॉलेज चल रहा था। वहीं शासन के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात की जा रही है। वही अगली खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां शातिर चोरों ने विद्या के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। दरअसल प्राथमिक विद्यालय पीपरा में विद्यालय के रसोई घर का ताला तोड़कर स्कूल की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर फरार हो गए। सुबह जब स्कूल स्टाफ पहुंचा तो देखा ताला टूटा पड़ा था और काफी सामान गायब था। फिलहाल प्रधानाचार्य की शिकायत पर शिकायत दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।